महाकारुणी तथा भगवान गौतम बुद्ध विश्वरत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सभी महापुरुषों को विनम्र अभिवादन करते समय आज इस दिल्ली में भारतीय परिसंघ के दूसरे अधिवेशन में जो मुझे आयोजन ने डॉक्टर उदित राज जो परिसंघ के अध्यक्ष हैं, हमारे सहयोगी मौर्या जी, उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। बड़ी प्रसन्नता हो गई आप सभी से मुलाकात करते हुए, संवाद साधते हुए। इस परिसंघ की इतनी ताकत 12 राज्यों से आप यहां पधारे हैं। मैं समझता हूं एक संगठन, अच्छा सा संगठन, सरकारी बाबुओं का संगठन जिसमें पढ़े लिखे हैं, समाज की भलाई बुराई जानते हैं, हमारा भला किसमें है, किस रास्ते से हमें जाना पड़ेगा, ये सोचने वाला अपना समाज है, आप सभी लोग हैं। इसके लिए ये अधिवेशन मैं अहम समझता हूं, महत्वपूर्ण समझता हूं कि आपने माध्यम से समाज में दिशा जाएगी। आने वाले समय में हमें क्या करना पड़ेगा, ये दिशा जाएगी। जो कठिनाइयां देश में पैदा हुई है, जो निर्मित की गई है, 2014 में जो परिवर्तन आ गया, जहां केंद्र में आए राज्य में सरकारें आ गई, जो मनुवादी सरकारें हैं, जो सरकारों का एजेंडा था, इसके लिए इतने साल 70 साल वो आज रुक गए। जिन्होंने बाबा साहब की क्रांति मानी नहीं, जिन्होंने बाबा साहब हयात होते समय बाबा साहब को विरोध किया, इस देश में सामाजिक क्रांति को विरोध किया, इस देश में बाबा साहब की धार्मिक क्रांति को विरोध किया, सामाजिक क्रांति को विरोध किया, शैक्षणिक क्रांतियों को विरोध किया, वो समाज के लोग, वो विचारधारा के लोग आज केंद्र में या सत्ते में बैठे हैं, वो अपने के लिए धोखे की घटना है, मैं समझता हूं। आने वाले समय में उनसे हमें लड़ना है, हमें हाथ पर हाथ रखे नहीं चलना, हम संख्या से ज्यादा लेकिन संगठित नहीं है, ये देश का वास्तव्य है, मैं समझता हूं। इसके लिए आने वाले समय में हमें देश में परिवर्तन करना पड़ेगा, राष्ट्रीय परिवर्तन करना पड़ेगा। कई लोग बोलेंगे परिसंघ है, हम लोग सामाजिक संस्था है, मैं तो धार्मिक संगठन चलाता हूं, भारतीय बौद्ध महासभा ओपिनियन, लेकिन ये विचारधारा जरा बाजू में रखिए।
आने वाले समय में हमें चुनौती देनी पड़ेगी। इस देश में विकल्प करना पड़ेगा कि इस विचारधारा के सरकार को हमें यहां से हटाना है। एक संस्था पूरी नहीं होगी, एक संस्था का बस का काम नहीं है। इसके लिए देश में जो संगठन है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के आदिवासी समाज के वंचित समाज से उन्हें एकता आनी पड़ेगी, इकट्ठा आना पड़ेगा। मैं तो समझ रहा हूं आने वाले समय में इस देश में दो विभाग होने चाहिए राजनीति में, एक संविधान को मानने वाला पक्ष और संविधान के विरोध करने वाला पक्ष जो सत्ते में है। ऐसी विचारधाराओं पर हमें चलना पड़ेगा। हमें यह नहीं कहना पड़ेगा ये काम राजकीय नीति का है, राजकीय पक्ष ये काम करेगा, लेकिन जो भी खड़े हो गए ऐसे संविधान के साथ राजनीतिक पक्ष उनके साथ हमें चलना पड़ेगा, ये तैयार होगा। मैं समझता आने वाले 2024 में इलेक्शंस है, केंद्र में इलेक्शंस होंगे, राज्य में इलेक्शंस होंगे, वहां एक विकल्प देना पड़ेगा। पिछली बार जो उत्तर प्रदेश का इलेक्शन हो गया, स्टेट इलेक्शन हो गया, उस इलेक्शन में मैं कई दिन उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों में मैंने राजनीतिक सभा ले ली। बनते हमारे साथ थे, उसमें रत्नैया हमारे साथ थे। हमें कुछ गेनिंग करना था, हमें कुछ आमदार खासदार हम नहीं होना था, लेकिन उत्तर प्रदेश इतना बड़ा स्टेट है जहां से 80 खासदार चुन के आते। पिछली बार वहां से 61 खासदार चुन के आए मनुवारी संघर्ष लेके। वहां की सरकार स्टेट इलेक्शन में हरा दे, संविधान के जो 7 पार्टी है उसके साथ हम लोग ने राजनीति का मंच हमने शेयर किया, सक्सेस नहीं हो गए, लेकिन उम्मीद छोड़ी नहीं। आने वाले समय में 2024 में ऐसा नेशनल लेवल पर विकल्प तैयार हो रहा है जिनके साथ हमारी संगठन सभी संगठन खड़े होने जरूरी है। मैं समझता हूं ये लड़ाई हमारी, ये लड़ाई हमारे आने वाले पीढ़ियों की है। ये लड़ाई हम यहां ही हर गए, आने वाली पीढ़ी अपने को दोषी नहीं। जिस तरीके से आज राजनीति केंद्र में चल रही है, जिसके 8 इश्यू यहां दिए गए हुए हैं, उस पर चर्चा होनी चाहिए, प्रबोधन होना चाहिए और अपने माध्यम से है घर घर ये बात चलनी चाहिए। ईवीएम का मुद्दा है, काफी मुद्दा है ईवीएम का, जो मैंने यूपी के इलेक्शन में देखा, उस पर चर्चा होनी चाहिए। मैं ईवीएम के मशीन से
ये सरकारें बेच रही है। प्रूफ के साथ बोल रहा हूं, हवा में बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि महाराष्ट्र में 2019 में जो इलेक्शन होंगे, जो इलेक्शन के पिटीशन आज भी बॉम्बे हाईकोर्ट में पेंडिंग, एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर ने पिटीशन डाले, बंबई हाईकोर्ट वो पिटीशन को हाथ नहीं लगाती, उनका एक ही लेके हम लोग खड़े हैं वहां, पर ईवीएम मशीन गलत है हम मानते हैं, भाई तुम्हारा मानते हैं ईवीएम मशीन बराबर है, इलेक्शन कमीशन ने एफिडेविट सबमिट किया है ये ईवीएम गलत नहीं है। बॉम्बे हाईकोर्ट में एक ही सवाल वहां उठ गया, ईवीएम मशीन गलत नहीं है तो टैली क्यों नहीं होती, जो जीतने वाला है इतने लाख वोट पड़ गए, जीतने वाला है और अदर पक्ष के लोग हैं उसकी टैली क्यों नहीं होती, हाईकोर्ट के जज के पास आज उत्तर नहीं, टैली तो होनी चाहिए, सरकारी आंकड़ेवारी है, जो डिफरेंस है 1000-2000 का होता तो चलता था, जो दो केस में डिफरेंस है 60-70 हजार का डिफरेंस है, आज पूरी दुनिया बोल रही है, वोटर्स बोल रहा है कि हमारा जो वोट जा रहा है वो बड़े सही तरीके से नहीं जा रहा है, लोकशाही में विश्वास पर लोकशाही चलती है, बाबा साहब ने वन वोट वन वैल्यू का थ्योरी इस देश में दी, भाई अमीर का वोट को भी उतनी वैल्यू है, गरीब का वोट को भी उतनी वैल्यू है, लोगों के करोड़ों लोगों को शंका है कि मेरा वोट बराबर सही जगह जा रहा है, आने वाले समय में जो राजनीति के पार्टी है ये इश्यू लेना चाहिए तो ही मैं समझता हूं ये देश में बदलाव आ जाएगा। इस सरकार ने देख लिया कि बाबा साहब के क्रांति के साथ ये समाज की प्रगति हो गई, ये प्रगति के पीछे बाबा साहब की क्रांति है, सामाजिक क्रांति है, धार्मिक क्रांति है, राजनीति की क्रांति है, एजुकेशन क्रांति है, उस क्रांति के साथ साथ ये समाज में बदलाव आ गया। बाबा साहब ने दिया बौद्ध धम्म है वो क्रांति में अहम भूमिका है, जिनका धार्मिक कन्वर्जन हुआ है बौद्ध हुए वो 7 साल में आगे निकल गए, ये सब हिंदू संगठन ने आज देखा है कि बाबा साहब के क्रांति के साथ जो समाज चल रहा है और 7 साल में आगे निकल आए, और जनरल कैटेगरी के लोगों को आज चैलेंज कर रहा है, एजुकेशन का प्रमाण ज्यादा होने के कारण सरकारी नौकरियां में ऑफिसर हो रहे, यही लोग हैं जो रोड पर नारे लगाते हैं रिजर्वेशन के, इन्होंने देख लिया, इसके लिए जो सरकारी नौकरियां सरकारी कंपनियां है उसका निजीकरण जोर से हो रहा है, पूरी भेज दी, आने वाले समय में मैं समझता हूं 2024 सब कुछ बचेगा नहीं, सरकारी या नौकरियां बेचने के बाद रिजर्वेशन का मुद्दा आया नहीं, यहां की सरकार बोलेगी कि रिजर्वेशन है कि नहीं,
हमारे पास सरकारी नौकरियां नहीं है। ये कथा नहीं आने वाले समय में होगी। समय पर हमें लड़ना पड़ेगा और उसकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, पार्लियामेंट के अंदर जाके लड़ाई लड़नी पड़ेगी, रोड की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, मोर्चे आंदोलन निकालने पड़ेगी। अकेला समाज नहीं तो सारे ओबीसी समाज को लेके, आदिवासी समाज को लेके, जिनके इंडिया में पॉपुलेशन 13% है, उस समाज को लेके हमें चलना पड़ेगा। मैं समझता हूं इस लड़ाई में परिसंघ की अहम भूमिका होगी। मैं अपील करूंगा अध्यक्ष डॉक्टर उदित राज जी को कि देश भर में ऐसे जो संगठन है उसको एक बैनर के नीचे लाओ। एक रूफ के नीचे लाओ इनके आदर्श को। बता दो भाई कठिनाइयां कितनी है। एक तो आर पार की लड़ाई 2024 के पहले हमें लड़नी पड़ेगी। यह हमारी अस्तित्व की लड़ाई है भाई। यहां हम मिट गए तो बाबा साहब की क्रांति, बाबा साहब ने किया हुआ काम मिट्टी में मिल जाएगा। यही इन लोग की सोच है। इसके लिए मैं समझता हूं ये जो मैं सुबह से यहां अनेक वक्ताओं के समाज में सुन रहा था प्रबोधन पर भाषण, मैं समझता हूं उसका अवलोकन करके आप इस विचारधारा लोग जनमानस के सामने लेके जाए। मैं इस अधिवेशन में अभिनंदन आप सभी का करता हूं, उदित राज जी का करता हूं कि बड़ा सा सम्मेलन इस दिल्ली में ले लिया और एक मैसेज पूरा देश में निकल जाएगा कि यहां के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, आदिवासी समाज पर जागरूक हुए। ये मैसेज गया। मैं समझता हूं अधिवेशन सक्सेसफुल हो गया। आप सभी को धन्यवाद देते हुए इधर ही रुकता हूं। नमो बुद्धाय। जय हिंद।